तो यार आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अपने वोकल्स से नॉइस को कैसे रिमूव करें। सबकी यही प्रॉब्लम रहती है, वोकल्स तो अच्छे रिकॉर्ड हो जाते हैं लेकिन वोकल्स के साथ साथ नॉइस भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो नॉइस को रिमूव करना वोकल्स से काफ़ी हार्ड हो जाता है क्योंकि नॉइस के साथ साथ आपकी वोकल्स की जो गुड फ्रिक्वेंसी होती है वो भी कम हो जाती है। तो बहुत ही ईजी मेथड है बिगिनर्स के लिए जिनको बिल्कुल नहीं पता कि नॉइस को कैसे रिमूव करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले वोकल रिकॉर्ड कर लेना है आपको। वोकल्स में जाइए, यहाँ से एडिट सैम्पल का ऑप्शन आता है, एडिट सैम्पल पे क्लिक करेंगे आप। तो नॉइस क्या है इसमें, मैनू पता बस जो ये छोटे पार्ट्स हैं एयर के साथ, ये आपकी नॉइस है। हाई पार्ट्स वोकल्स हैं और ये बीच के छोटे पार्ट्स, ये नॉइस है आपकी। तो ये पूरे वोकल्स में होगी, बीच में ये पार्ट। तो इसको कैसे हटाएं पूरे वोकल्स में से, बहुत इजी तरीका है। यहाँ से ये आइकन पर क्लिक करना है आपको, तो ये क्लीनअप डी नॉइस का ऑप्शन आ जाता है। अब हमें इस सिलेक्शन को पूरे उसमें से हटाना है, तो इस सिलेक्शन का नॉइस प्रोफाइल लेना है हमें। तो एक्वायर नॉइस प्रोफाइल करेंगे तो इसका सिलेक्शन हमें मिल चुका है। अब हम पूरा वोकल सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए करके और फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो इतना सिलेक्शन पूरे ऑडियो में से हट जाएगा। तो एक्सेप्ट कर लेंगे तो इतना सिलेक्शन जो हमने नॉइस कर लिया था, देखिए हट चुका है पूरे उसमें से, पूरा क्लीन हो चुका है आपका वोकल। अब दोबारा सुनेंगे जैसे वोकल हम लोग यहाँ से, मैनू पता बस ला रे कितना डिफरेंस आ गया, पूरी नॉइस हमारी जा चुकी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में बताइए। तो बस इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैनू पता।